कम इन डाउट सेशन। जब भी मैं नीट वालों को पढ़ाता हूँ, ये क्वेश्चन डाउट में ज़रूर आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या खास बात है कि डाउट में आता है बार बार? इसके पीछे रीज़न ये है प्यारे बच्चों कि द लेक ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज। ठीक है, अब इसको मैं आपको करवाता हूँ और देखो मैं कैसे करता हूँ इसको। ठीक है, ये कहता है कि अगर पोजीशन, ठीक है, एज ए टाइम का फंक्शन है ए ई की पावर माइनस अल्फा टी और प्लस बी और ई की पावर बीटा टी। ठीक है, ए ई की पावर माइनस अल्फा टी और बी की पावर बीटा टी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, एक बार भी मेरा स्टूडेंट था, वो ऑल इंडिया जो उसकी रैंक थी एक्चुअली काफ़ी अच्छा थी, अंडर 100 था, उसको भी ये डाउट आया था। मतलब ये लगभग हर बच्चे को डाउट आता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। ठीक है, तो ये इसको करने के लिए सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो क्योंकि जब तक वेलोसिटी नहीं निकलेगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो वेलोसिटी निकालेंगे तो ये डिफरेंशिएट करने आता होगा। e की पावर x कभी डिफरेंशिएट नहीं होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग बात। लेकिन e की पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो e की ax का डिफरेंशिएशन d अपॉन dx। ठीक है, चेन रूल लगा देते हैं, तो चेन रूल लगाएंगे तो e की पावर ax डिफरेंशिएट होकर सामने आ गया और d अपॉन dx ax भी डिफरेंशिएट होगा, तो ये बनेगा a और e की पावर ax। ठीक है ना, ये तो आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, चेन रूल लगेगा। चेन रूल से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस ए अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी, समझना डिफरेंशिएशन, प्लस बी और, ठीक है, पूरा एक बार पूरा समझ रहे हो ना, और बीटा का बी बीटा और ई की पावर बीटा टी, दैट इज वेलोसिटी। अब यहाँ से हमें वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी डिक्रीजिंग होगी वो आप पता भी कर सकते हो जुगाड़ मेथड से, जुगाड़ से, और एक बार और ज़्यादा मैथमेटिकली सही तब होगा जब एक बार और डिफरेंशिएट कर दो इसको, एक्सलेशन निकाल लो। पहले एक बार आपको यहीं से पता करके बताता हूँ। अब देखो, जब टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी वो, चलो यहाँ से एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब ई की पावर कितना बढ़ सकता है टाइम? यार टाइम बढ़ेगा तो टाइम इन्फिनिटी हो सकता है। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? e की पावर इन्फिनिटी जो होता है, e की पावर ये इन्फिनिटी दैट इज जीरो होता है। एक स्टेप और कर देता हूँ, तो e की पावर इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी जीरो। ठीक है, तो e की पावर जो इन्फिनिटी है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत लंबे टाइम बाद ये जो है वैल्यू वो जीरो हो जाएगी। तो अगर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये वाला कितना होगा? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा होगा, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सी ऑप्शन सही है। या नहीं तो एक बार और डिफरेंशिएट करो, और अच्छा से इसको मैथमेटिकल करना चाहते हो तो एक बार इसको और डिफरेंशिएट करो। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सलेशन मिलेगा, एक्सलेशन निकाल सकते हो। एक बार और डिफरेंशिएट करो, ये सामने आ जाएगा ए अल्फा स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा टी और प्लस बी बीटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर और बी बी बीटा स्क्वायर और ई की पावर बीटा टी। अब देखो ये जो वैल्यू मिली वो टी के किसी भी वैल्यू के लिए ये जो वैल्यू है वो एक्चुअली पॉजिटिव है। टी का कोई भी वैल्यू डालोगे, ठीक है, माइनस टी का मतलब है, ई की पावर माइनस टी का मतलब है 1/t, जो कि पॉजिटिव होगा, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव कुल मिला के जो ए है वो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि अगर कोई फंक्शन है, इधर थोड़ा सा आप समझ लो मेडिकल वाले, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश f इज इक्वल टू एफ एक्स डैश इसका, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब अगर पॉजिटिव होता है
तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये जो है फंक्शन वो x के हर एक वैल्यू के लिए इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर y डैश s इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट x इज निगेटिव आ जाता है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। तो ये जो फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन और ये इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन y एफ एक्स इक्वल जीरो आ जाता है, तो या तो ये मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, जो कि आप जानते हो, ठीक है। तो ये ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है। तो ये वेलोसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि इसका एक्सलेशन फर्स्ट डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको तो बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। और हर एक ऑप्शन चेक करके देखो, पहला ऑप्शन सही नहीं है, इंडिपेंडेंट अपन बीटा, बीटा पे डिपेंड करेगा यार, बीटा है तो बीटा की वैल्यू है तो वेलोसिटी बीटा पे डिपेंड करेगी। क्या ड्रॉप जीरो अल्फा बीटा बराबर होता है, तो रख के देख लो, जीरो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। और डिक्रीजिंग, ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ही होगा, डिक्रीजिंग हो नहीं सकता। ये फोर्थ ऑप्शन सही है, इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, थर्ड नहीं फोर्थ, ठीक है। चलो तो ये हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, मोटिवेटेड रहिए, एनर्जेटिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, और अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।